आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन पर। वीडियोस को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियोस को लाइक तो जरूर करिएगा और सब्सक्राइब अगर चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आज हम करने जा रहे हैं क्लास सेवन्थ की वर्कशीट नंबर 8। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है और डेट है 19 अक्टूबर 2020। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो सबसे आसान वर्कशीट है। आज हमें बहुत अच्छी वर्कशीट मिली है और ये वही हमारा टॉपिक है, द 3 क्वेश्चंस। उसी पे ही वर्कशीट कंटिन्यूड है। आगे बढ़ते हैं। ए पार्ट, द फॉलोइंग डायलॉग्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर 3 क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द स्पीकर एंड प्लेस द डायलॉग इन द डायलॉग बॉक्स गिवन बिलो। हमें ये डायलॉग्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमें करना क्या है, हमें सिर्फ ये जो यहाँ 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पर जो 1 वाला डायलॉग है वो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 वाला डायलॉग यहाँ लिख देंगे, 3 वाला थैंक्स लिखा हुआ था यहाँ पर तो यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से हमें सारे डायलॉग जहाँ जहाँ नंबर है वहाँ वहाँ पर लिख देना है। अब और उसके बाद हमें बताना है कि कौन में स्पीकर है। जैसे अब आप पहचान लीजिए, आप वैसे आपने इतना पढ़ लिया है इस चैप्टर को, द 3 क्वेश्चंस को, मुझे तो याद हो ही गया है, आपको भी याद हो ही गया होगा। तो ये जो हमारे यहाँ पर या ग्रीन कलर में जो है, ये आप कौन है इसके अंदर, ये है हर्मिट। कौन है ये, है हमारे हर्मिट। और ये तो आप पहचान ही सकते हो उनको, ये कौन है, किंग। अब ये हर्मिट है, ये किंग है। अब एक और इसमें दिख रहे हैं, ये कौन है, ये जो है ये वो ह्यूमन बीइंग है, ये जो वहां से राजा को मारने के लिए आया था। कौन है ये वही है जो राजा को मारने के लिए आए थे। आपको स्टोरी याद आ गई होगी, अगर स्टोरी याद नहीं आई है तो प्लीज हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं, जो आपके द 3 क्वेश्चंस पे हमने इससे पहले जितनी भी वर्कशीट्स की हैं इंग्लिश की, 3 या 4 वर्कशीट्स है, सब में हमने द 3 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा है। और द 3 क्वेश्चंस में आपको पूरी स्टोरी, हर वर्कशीट में पूरी स्टोरी 3-4 बार हमने आपको पढ़ाई है। आप प्लीज उनको जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये बी पार्ट पर, बी पार्ट शुरू करने से पहले मैं आपको फिर एक बार बोलना चाहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी आसानी से वर्कशीट को कर सकें। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आज की जो वर्कशीट है वो बहुत आसान है, तो आज हमें करना क्या है इसमें, राइट अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड आस्किंग अबाउट हिज और हर वेलबींग इन द डायलॉग बॉक्सेस बिलो। हमें यहाँ पर लिखना है क्या, हमें यहाँ पर अपनी कन्वर्सेशन लिखनी है, जो आपने अपनी फ्रेंड को कॉल किया या आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया और आपने उनके हालचाल पूछे, उसके बारे में हमें लिखना है। आप सब अपने अपने तरीके से लिखते हैं इसे। यहाँ पर यहाँ से आपने किया हाय, यहाँ से आपको भी आ गया हाय। आपने पूछा हाउज यू, वहाँ से आया कि हाँ जी आई एम वेल या आई एम गुड आई एम फाइन। इसी तरीके से जो भी आप बातें करेंगे उसी तरीके से आप इसमें प्रॉपर तरीके से कन्वर्सेशन लिखेंगे। तो ये पूरी वर्कशीट आज देखिए, दोनों पार्ट आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी। तो आज की जो वर्कशीट है ये आप लोग करेंगे। इसमें मैंने आपको वर्कशीट में समझा दिया है क्या चीज कैसे करनी है, पर करनी आपको ही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है समझाने के बाद भी, तो पहले तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके सुन लीजिए, और तब भी डाउट है तो उसके बाद कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करें क्या डाउट है, हम आपका डाउट क्लियर जरूर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपके पास तक हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। थैंक यू।